नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब यूपी पर। दोस्तों, सिपाही भर्ती परीक्षा के जल्द होने के आसार अभी नहीं लग रहे हैं। कुछ दिनों से सभी अखबारों में ये खबर चल रही थी कि सिपाही भर्ती की परीक्षा की तिथि बहुत जल्द घोषित हो सकती है, लेकिन कांवड़ यात्रा इसी महीने के आखिरी में शुरू होने जा रही है, जिसके चलते सभी प्रमुख रास्ते प्रशासन को बंद करने पड़ते हैं। उस वजह से परीक्षा अगले महीने की शुरुआत तक होना नामुमकिन सा लगता है। आइए जानते हैं प्रमुख दैनिक समाचार में छपी खबर में क्या लिखा गया है। सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 6 माह में दोबारा लिखित परीक्षा कराने की कवायद में 1 माह की देरी हो सकती है। अधिकारियों के मुताबिक यात्रा खत्म होने और बाढ़ की स्थिति सामान्य होने पर परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए अब अभ्यर्थियों को सितंबर तक अब इंतजार करना पड़ सकता है। सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा फरवरी माह में हुई थी, लेकिन उसका पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द कर दी गई थी। मुख्यमंत्री के आदेश के मुताबिक अगस्त माह में परीक्षा आयोजित कराने की कवायद में जुटे हुए थे अधिकारी, लेकिन कांवड़ यात्रा की वजह से पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और प्रदेश में 24 से ज़्यादा जिलों में बाढ़ के हालात भी हैं।